हे गाइस, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.9 के सवाल नंबर 14 से। ठीक, तो यहाँ पर जो सवाल नंबर 13 तक था हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया था, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सवाल नंबर 14 से। ठीक, तो सवाल नंबर 14 आपका ये यहाँ पर लिखा हुआ है, 1/sin x - 2cos x 2sin x + cos x। ठीक, तो इस सवाल को कैसे लगाया जाए चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. तो देखो इस सवाल में हमें क्या करना है, यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अंश और हर में कॉस स्क्वायर से भाग करना होगा। ठीक, अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ कॉस स्क्वायर से अंश और हर में भाग करना है। ठीक, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर लिखा, अंश और हर देखो लिखा। ठीक, अब बाकी सब आपको ऐसे ही लिख लेना। ठीक, यहाँ पर क्या है, साइन यक्स माइनस में 2cos x, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2sin x + cos x। ठीक, ये है ऊपर में dx है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यानी कि 1/cos² x के स्थान पर क्या होता है, sec² x, तो ये हमारा बन जाएगा, मतलब इतना तो हमारा बन जाएगा sec² इसके स्थान पर हो जाएगा sec² x। ठीक, बटा में नीचे बचेगा हमारा क्या, देखो बटा लगा है और बटा के नीचे क्या बचेगा, cos² x, यानी ये पूरा बटा नीचे क्या बचेगा, cos² x बचेगा, है ना। तो cos² देखो स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर दो cos हैं। ठीक, दो कॉस को हम एक कॉस लिखेंगे इस ब्रैकेट के नीचे, एक कॉस को लिखेंगे इस ब्रैकेट के नीचे। ठीक, और इसके बाद मैंने आपको बताया था, अपने मैंने कई वीडियो में बताए थे कि 2/3 हो और मान लो कि अगर 1/3 हो। ठीक, तो अगर दोनों का जैसे हर बराबर होता है तो इसको हम लिख सकते हैं 2+1/3। ठीक, यानी कि ये जो लिखा हुआ है इस तरीके से ये हमारा सवाल बन जाएगा। ठीक, अगर इसके नीचे हम बटा में कॉस लिखेंगे तो ये सवाल हमारा इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक, अब इसको हमें क्या करना है, ऐसे इसको अलग अलग करके लिखना है। ठीक, तो हम इसको अब अलग अलग करेंगे, तो यहाँ पर देखो समझ जाओ, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर sin x - 2cos x लिखेंगे। ठीक, तो अलग अलग करेंगे तो cos/ यहाँ पर लिख देंगे और cos/ यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, एक ब्रैकेट ये हो गया, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर हो जाएगा 2sin x / cos x, इसी तरीके से इधर हो जाएगा cos x / cos x। ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा dx। अब यहाँ पर अगर आप समझे ना हो तो चलिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ। अब देखो ये हमारा सवाल था और बटे में यहाँ पर हमें क्या लिखना था, मैंने आपको बताया था कि दो कॉस है, तो दो कॉस को एक लिखना है इसके नीचे, एक कॉस को लिखना है इसके नीचे। ठीक, देखो दोनों गुणा में है तो यानी अभी भी ये कॉस स्क्वायर ही है, इसको मैंने सिर्फ अलग अलग लिख दिया। ठीक, ऐसे लिख दिया, अब वहाँ पर मैंने जो लिखा था डायरेक्ट लिख दिया था। ठीक, तो यहाँ पर आप समझ जाओ कि बीच में जो प्लस है यहाँ से इसको हम कर देंगे अलग अलग। ठीक, मतलब इतने को देखो बताया ना, 2/3 हो प्लस में 1/3 हो, तो दोनों में अगर हर बराबर होता है तो इसको हम 2+1/3 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है इस प्रकार से ये हमारा सवाल लिखा हुआ है, हमें इसको क्या करना है, इस तरीके से अलग अलग करना। ठीक, तो अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर जो होगा वही तो होगा। ठीक, जिसे 2/3 हो गया और प्लस में ये जो यहाँ पर चिन्ह है इसको बीच में लगा देंगे, उसके बाद फिर ये जो है इसको 1/3 करके लिख देंगे। ठीक, मतलब जो नीचे हर होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2sin x / cos x, बीच में प्लस लगाएंगे, cos x / cos x लिखेंगे, इसी तरह यहाँ पर भी कर देंगे। ठीक, बीच में माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे। ठीक, तो इसी चीज़ को मैंने डायरेक्ट करके बता दिया था, तो चलिए अब इसके आगे पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर आप समझ गए ना, यहाँ पर मैंने क्या किया है, अब देखो यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको अलग अलग कर दिया है, अब यहाँ पर जो कट रहा है उसको काट दो, इससे ये कट जाएगा और यहाँ ये कॉस से ये कॉस कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा, ऊपर तो हमारा sec² x dx लिखा है उसको लिख दो, और यहाँ पर sin/cos के स्थान पर क्या लिखेंगे हम, tan लिख देंगे, क्योंकि sin x / cos x बराबर क्यों होता है, tan x होता है, तो यहाँ पर tan x लिख देंगे। उसके बाद बीच में माइनस लगा, माइनस लगाएंगे, 2 लिखा है, 2 लिखेंगे। ठीक, और cos से cos कट गया, यहाँ पर 1 बचेगा, तो यानी 2 हो जाएगा।
और इस इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 साइन एक्स बटे में कॉस एक्स यानी टैन एक्स हो जाएगा, प्लस लिखेंगे इसके स्थान पर कितना कट गया तो यहाँ पर एक बचेगा, एक लिख देंगे। ठीक, ये हो गया हमारा सवाल। अब इसको हमें क्या करना है, टैन एक्स के स्थान पर हमें टी मान लेना है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट, लेट का मतलब होता है माना, माना टैन एक्स बराबर में टी मान लो। ठीक, अब टी मानेंगे तो इसका अवकलन कर देंगे, अवकलन करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर में डी टी, मतलब कि जहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखा हो वहाँ पर हमें डी टी लिखना है। अब देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखा है, यहाँ पर हम लिखेंगे ऊपर डी टी में, उसके बाद में जहाँ पर टेन एक्स है वहाँ पर हमें टी लिखना है, तो हम यहाँ पर देखो टी लिखेंगे इसके स्थान पर, माइनस टू लिखा माइनस टू लगा देंगे। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखा है टू, और यहाँ पर टेन के स्थान पर हम टी लिखेंगे, प्लस में एक लिख देंगे। ठीक, ये हमारा सवाल हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, आंशिक भिन्न में तोड़ देंगे, उसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो आंशिक भिन्न में कैसे इसको तोड़ेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा टी माइनस टू टू टी प्लस में वन, ठीक, बराबर में यहाँ पर हो जाएगा ए बटे में, क्योंकि ये देखो यहाँ पर क्या है, यानी टी का जो घात है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो टी का घात है वो एक है, तो यानी ए बटे में सिंपल से इसको लिख देंगे ए बटे में टी माइनस वन। ठीक, टी माइनस टू, उसके बाद प्लस लगाएंगे, यहाँ पर भी टी का घात कितना है, एक है, इसलिए यहाँ पर हम सिंपल से लिख देंगे बी बटे में टू टी प्लस में वन। ठीक, इस तरीके से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको त्रिक गुणा करके इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, यानी ए और बी की वैल्यू हमें अब पता करना है। ठीक, अब यहाँ पर इधर कितना है, एक है, और यहाँ पर इसको त्रिक गुणा करो। ठीक, एक बटे में टी माइनस टू, उसके बाद में टू टी प्लस में वन। ठीक, और इधर क्या हो जाएगा, इसका इसको त्रिक गुणा करेंगे तो ये इधर हो जाएगा टू टी प्लस में वन, प्लस में इसको इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा टी माइनस टू। ठीक, और बटे में यहाँ पर हो जाएगा टी माइनस टू, और ये हो जाएगा टू टी प्लस में वन। ठीक, अब देखो इससे ये कट जाएगा। ठीक, और यहाँ पर इधर एक बचेगा और इधर ये बचेगा। ठीक, अब देखो चाहे आप यहाँ से कर लो या फिर यहाँ से समझ लो, यहाँ पर देखो टी माइनस टू लिखा है, एक मतलब गुणनखंड दो है ना, एक ये है, तो यानी टी माइनस टू लिखा है, इसके बराबर जीरो मान लो तो यहाँ पर टी बराबर टू हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर एक ये गुणनखंड है, तो इसके स्थान पर भी अगर हम मानेंगे तो टू टी प्लस में वन बराबर में जीरो मानेंगे, तो यानी टी की वैल्यू आ जाएगा, एक को उधर भेजेंगे माइनस में हो जाएगा और दो को भाग में हो जाएगा, तो यानी टी की वैल्यू ये दोनों आ गए। ठीक, ये दोनों जो टी की वैल्यू आया है इसको आप क्या करना है, देखो यहाँ पर दो तरीके मैंने आपको अपने सभी वीडियो में बताए हैं कि यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए, यानी यहाँ से आप ए और वी की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। ठीक, चाहो तो आप इन दो यानी इस ब्रैकेट को खोलकर इनका तुलना करके आप मतलब ए और वी की वैल्यू बता सकते हो। ठीक, और अगर नहीं चाहते तुलना करना तो आप सीधा क्या करो, यानी कि टी के यानी एक बार टी के स्थान पर दो रखो, एक बार माइनस एक बटा टू रखो। ठीक, जब दो बार रखोगे तो ए और वी की वैल्यू आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो चलिए हम इसकी वैल्यू दोनों रख देते हैं दो बार। ठीक, उसके बाद हमारा ए और वी की वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक, तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हम सबसे पहले हम टी बराबर दो रखेंगे। ठीक, तो दो रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए, और यहाँ पर हो जाएगा दो दूना, देखो यहाँ पर टू रखेंगे तो दो दूना कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, प्लस में एक हो जाएगा। ठीक, प्लस में b लिखा हुआ है, और यहाँ पर दो रखेंगे तो दो माइनस टू हो जाएगा। ठीक, दो में से दो घटाओगे जीरो बचेगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा ये, और यहाँ पर चार एक पाँच हो जाएगा। ठीक, और पाँच देखो ये गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में। ठीक, तो a बराबर कितना हो जाएगा, एक बटे में पाँच, देखो a की वैल्यू आ गया ना फटाक से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार अब इसको रखेंगे। ठीक, यानी कि एक है बराबर में a है, और इधर क्या है टू है, इनटू में इसके स्थान पर रखेंगे माइनस एक बटा टू प्लस में वन, और प्लस में बी है, और यहाँ पर माइनस का एक बटा टू माइनस का टू। ठीक, अब यहाँ पर दो में से दो काटेंगे तो यहाँ पर देखो माइनस वन और प्लस में वन, इसमें से इसको मतलब घटाओगे तो क्या हो जाएगा जीरो, तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, इधर बचेगा एक बराबर में दो दुना चार, चार देखो ये भी माइनस में ये भी माइनस में, दो दुना चार, और चार में एक जोड़ोगे कितना हो जाएगा पाँच, यानी ये हो जाएगा माइनस का होगा पाँच बटा दो। ठीक, इसको त्रिक गुणा करेंगे तो v की वैल्यू हो जाएगा माइनस का दो बटा पाँच हो जाएगा। ठीक,
यानी ए और बी की वैल्यू हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, ए और बी के स्थान पर इसको धर देंगे, उसके बाद इसका समाकलन कर देंगे, हमारा सवाल लग जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, ए के स्थान पर देखो क्या आया है, यहाँ पर हमें ए और बी की वैल्यू रख देना। ठीक, ए के स्थान पर 1/5 आया है, तो यहाँ पर 1/5 क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो इसको हम पहले ही निकाल दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/5 और अंदर हो जाएगा t-2। ठीक, और ये हो जाएगा dt प्लस में, इधर भी देखो v की वैल्यू क्या है, -2/5, तो यहाँ पर इसको सबसे पहले माइनस लिख देंगे, 2/5 देखो कांस्टेंट है तो इसको हम पहले निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2t प्लस में 1 dt हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर इसका समाकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा हमारा log t-2 हो जाएगा, -2/5, ये भी हमारा हो जाएगा log 2t प्लस में 1। अब यहाँ पर इसका दोबारा से होगा तो ये हो जाएगा भाग में 1/2 हो जाएगा। ठीक, देखो अवकलन, अभी इसको अवकलन अगर मतलब अवकलन में अगर होता यही चीज़, तो अवकलन में जब दोबारा अवकलन करते हैं तो क्या होता है, उसको गुणा में लिखते हैं, लेकिन समाकलन क्या होता है, जानते हो ना, अवकलन का सेम उल्टा होता है। तो समाकलन में क्या होता है, वही चीज़ अगर दोबारा करोगे, मतलब इसका समाकलन जैसे मैंने दोबारा किया तो समाकलन में भाग में चला जाता है। ठीक, तो ये देखो 1/2 लिख दिया। ठीक, अरे इसके स्थान पर सीधा से आप v मान सकते हो, u मान सकते हो, कुछ मान कर आप सीधा से लगा लेना, तो ये इतना ही आएगा। ठीक, कुल मिलाकर तो यहाँ पर मैंने सिर्फ डायड कर दिया है। अब यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/5, देखो दोनों में 1/5 बचा। ठीक, अब यहाँ पर दोनों में 1/5 कामा है, तो इसको कामा ले लो। ठीक, अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा लॉग और यहाँ पर t-2 हो जाएगा। ठीक, t-2 और उसके बाद देखो ये बचेगा और इधर log 2t-1। ठीक, तो इसको मान लो log m है और इसको मान लो कि log n है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। ठीक, log m माइनस log n होता है, तो log m बटे में n हो जाता है। ठीक, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बटे में, तो यानी ये हो जाएगा हमारा 2t प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक, और प्लस में c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब यहाँ पर t के स्थान पर आपने जैसे tan माना था, तो t की वैल्यू रख दो। ठीक, बस हमारा हो जाएगा आंसर, तो ये हो जाएगा log और t के स्थान पर लिखेंगे tan x। ठीक, -2/2 tan x प्लस में 1। ठीक, प्लस में c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए, अच्छा मान लो कि आपके बुक में ये आंसर ना आ रहा हो तो आप घबराना मत। ठीक, इसको अगर आप साइन कॉस में तोड़ देंगे तो वो आंसर आ जाएगा जो आपके बुक में है। ठीक, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, वरना आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो देखो ये आपका सवाल है, मतलब ये जो है, मतलब आपका ये आंसर आया है। ठीक, अब इसको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको मतलब आपके बुक में जो आंसर आ रहा है उसको मिलाने के लिए इसको साइन कॉस में वो चेंज किए हैं, तो आप भी चेंज कर दो। ठीक, बस सेम आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इसको साइन कॉस में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/5 लॉग हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स बटे में कॉस एक्स माइनस 2 बटे में, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स बटे में कॉस एक्स प्लस में 1। ठीक, और ये हो जाएगा प्लस में सी। ठीक, ये ब्रैकेट है बड़ा वाला। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके नीचे एक मानो तिरिया गुणा करो, हर बराबर कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, 1/5 हो गया, लॉग हो गया। अब यहाँ पर इसको करेंगे तो हो जाएगा साइन एक्स, तिरिया गुणा करेंगे तो माइनस का 2 कॉस एक्स हो जाएगा बटे में कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक, क्योंकि नीचे नीचे गुणा करेंगे, उसके बाद पूरा का बटा लगाओ, यहाँ पर इधर भी करेंगे 2 साइन एक्स और प्लस में इसको इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स बटे में नीचे नीचे गुणा करेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक, प्लस में सी, ये वाला कॉस, ये कॉस कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो बचेगा हमारा वो बचेगा 1/5 लॉग और यहाँ पर बचा साइन एक्स माइनस में 2 कॉस एक्स बटे में यहाँ पर हो गया 2 साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। ठीक, प्लस में सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखो सवाल नंबर हमारा ये 15 है। अब इस सवाल को कैसे लगाना है, तो देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, साइन 2x वाला सूत्र अगर आप जानते हैं तो आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। ठीक, यहाँ पर साइन 2x के बराबर जो सूत्र होता है वो होता है 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, ये सूत्र होता है। ठीक, अब हमें क्या करना है, देखो इसमें भी साइन मिल रहा है, यहाँ पर भी साइन मिल रहा, तो हम साइन दोनों में अगर मिल रहा तो यानी इसको हम कामा ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम ले लेंगे साइन एक्स कामा, तो यहाँ इसके स्थान पर तो 1 बचेगा माइनस, यहाँ पर ये हो गया 2 और साइन एक्स तो कामा हो गया, तो यहाँ पर बचा कॉस एक्स। ठीक,
तो ये हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा dx। ठीक, अब हमें क्या करना है, ऊपर नीचे sin x से गुणा भाग करना है। ठीक, तो देखो sin x से ऊपर मैंने गुणा किया, अब यहाँ पर भी हमें sin x से गुणा करना है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम एक और sin x से गुणा करेंगे तो देखो एक sin पहले से था, ये देखो पहले से है, अब एक बार और यानी गुणा करेंगे तो जाएगा दो sin, नीचे दो sin हो जाएगा यानी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, समझ गए ना। अब sin x को हम देखो sin x के स्क्वायर x के स्थान पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x। ठीक, अच्छा ऐसा क्यों लिख सकते हैं, ये कहाँ से आता है। ठीक, ये वाला जो सूत्र होता है, जब आपने पढ़ा होगा ना sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x बराबर में एक होता है। ठीक, तो वहीं से हम sin स्क्वायर x का वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि होगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, आपको पता होगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस sin के स्थान पर इसको धर देंगे। ठीक, ऊपर हमारा है sin x dx, ठीक, और बटे में नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, और यहाँ पर 1 माइनस 2 cos x लिखा हुआ है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, cos x के स्थान पर t मान लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे माना cos x बराबर में t, अब जब cos x बराबर में इसका आकलन कर दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का sin x dx बराबर में dt, तो यानी कि sin x dx के स्थान पर हमें dt लिखना है, sin x dx इसके स्थान पर लिख देंगे dt, माइनस लगा देंगे क्योंकि ये माइनस लगा। ठीक, ऊपर तो लिख देंगे dt एक बटे में यहाँ पर 1 माइनस t स्क्वायर, cos x के स्थान पर हमें t रखना है। ठीक, उसके बाद हो जाएगा 1 माइनस और ये हो जाएगा 2t, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपने इसको स्क्वायर बना लो। ठीक, आपने सूत्र पढ़ा होगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार जुड़ जाता है एक बार घट जाता है। ठीक, ये हो गया, यानी इस सूत्र को अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस एक बटे में, एक बार देखो घट गया, एक बार इसको हम जोड़ देंगे, हो गया। ठीक, ये और यहाँ पर 1 माइनस 2t है, इसको लिख देंगे। ठीक, ये हो गया हमारा dt, हो गया। अब इसको मानसिक भिन्न में तोड़कर इसको इसका यानी समाकलन कर देंगे। ठीक, बस हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब इसको मानसिक भिन्न में जब तोड़ेंगे तो ये 1 माइनस टी, 1 प्लस में टी, 1 माइनस 2t बराबर में पहले तो होगा a बटे में 1 माइनस टी। ठीक, फिर उसके बाद में b बटे में 1 प्लस में t हो जाएगा, उसके बाद में c बटे में ये हो जाएगा 1 माइनस 2t हो जाएगा। ठीक, अब इन सब का हम मतलब हर बराबर करेंगे, बस देखो इधर नीचे नीचे तो गुण यानी कट ही जाएगा। ठीक, जैसे अपने सब सवाल में ऐसे ही होता है, नीचे नीचे वाला कट जाता है, तो चुपचाप से जो ऊपर लिखा है उसको लिख लो। ठीक, 1 लिखो, उसके बाद इधर इसका मतलब हर बराबर कर लो। ठीक, हर बराबर करेंगे तो देखो इन दोनों से गुणा करो और इसमें गुणा कर दो। ठीक, तो यानी a बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस में t, उसके बाद में ब्रैकेट में 1 माइनस 2t। ठीक, प्लस में, अब यहाँ पर देखो इसको इससे गुणा करेंगे, इधर इससे गुणा करेंगे, तो b में क्या हो जाएगा 1 माइनस t हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे इसको इससे गुणा करेंगे, तभी तो इसका हर बराबर होगा 1 माइनस 2t हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर c बचा। ठीक, तो c को हम क्या करेंगे, इन दोनों से इसमें गुणा करेंगे। ठीक, तब इसका हर बराबर होगा, तो 1 माइनस टी, 1 प्लस में टी, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो टी के स्थान पर हमें क्या क्या रखना है। ठीक, चाहो तो आप इन सब का ब्रैकेट खोल कर मतलब कि जो टी स्क्वायर वाला हो इसको एक तरफ कर लो, जो टी वाला हो इसको एक तरफ एक साथ कर लो, करने के बाद इसका तुलना कर दो, आसानी से इसका यानी ए और बी की वैल्यू, ए और बी और सी की वैल्यू हमें पता चल जाएगा। ठीक, और यहाँ पर हमारे पास दूसरा रास्ता है कि हम यहाँ पर देखो इसके स्थान पर जीरो रखेंगे तो यहाँ पर एक आ जाएगा टी की वैल्यू, अब यहाँ पर इसके स्थान पर रखेंगे तो माइनस एक आ जाएगा टी की वैल्यू, यहाँ पर रखेंगे तो एक बटा टू आ जाएगा टी की वैल्यू। ठीक, तो एक बार टी के स्थान पर एक रखेंगे, एक बार माइनस एक, एक बार माइनस प्लस का एक बटा टू रखेंगे। ठीक, इन तीनों को बारी बारी से जब आप रखोगे तो ए और बी और सी की वैल्यू हमें मिल जाएगा। ठीक, तो चलो इसको रख लेते हैं, देखो इसको रखेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक, देखो अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या रखेंगे, चलो माइनस एक रखते हैं। ठीक, अगर हम यहाँ पर सबसे पहले माइनस एक रखते हैं, कहाँ पर रखेंगे, टी के स्थान पर, तो यहाँ पर ये यह हो जाएगा, देखो
माइनस एक रखेंगे तो देखो ये प्लस में है, यहाँ पर माइनस एक होगा तो ये कुल मिलाकर पूरा हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि ए वाला पहले ख़त्म हो गया। ठीक, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, फालतू देखो वैसे भी पता है कि देखो यहाँ पर इसको माइनस एक रखोगे तो जीरो हो जाएगा पूरा, और यहाँ पर माइनस एक रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो इस वाला लिख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे बी वन प्लस में वन। ठीक, उसके बाद में एक और ब्रैकेट है वन माइनस टू, टी के स्थान पर माइनस एक रखना है, उसके बाद प्लस में। यहाँ पर देखो देखो यहाँ पर हम यानी कि क्या हो जाएगा, प्लस में वन हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा वन माइनस में, इसके स्थान पर माइनस एक रखना ना, तो माइनस वन हो जाएगा। ठीक, एक में से घटाओगे जीरो, ये पूरा गुणा में है तो पूरा सी वाला ख़त्म हो जाएगा। ठीक, अब यानी कि वन बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा एक एक दो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दो एक नम दो हो जाएगा, मतलब दो एक तीन हो गया, तीन दूना छः, मतलब वी की वैल्यू जो आ गया एक बटा छः आ गया। ठीक, देखो यहाँ पर क्या क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ पर मैंने सिर्फ टी के स्थान पर रखा है बस खटाक से, देखो टी रखा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक में से एक घट गया, पूरा जीरो हो गया, पूरा ए वाला ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर बी के स्थान पर रखा तो ये पूरा लिख दिया। ठीक, सी के स्थान पर रखा तो देखो यहाँ पर एक में से एक घटा देंगे, जीरो हो जाएगा, ये पूरा हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो कुल मिलाकर हमारा वी की वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर एक रखेंगे, जब देखो एक रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक रखेंगे तो यहाँ पर हमें एक एक कितना हो जाएगा दो हो जाएगा, और दो इकन्नम दो, और वन में से दो घटाएंगे, माइनस का चिन्ह बड़ा है, एक हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, ये माइनस में है, जब अगर ये माइनस में है तो एक रखेंगे तो एक में से घटाएंगे जीरो, यानी ये पूरा हमारा ख़त्म हो जाएगा इस बार। यहाँ पर भी अगर हम एक रखेंगे तो ये वाला पूरा भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक, इस बार यानी ए की वैल्यू निकलेगा। ठीक, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितना निकलेगा, देखो यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ पर एक एक दो हो जाएगा, दो हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा वन माइनस टू हो जाएगा, क्योंकि दो इकन्नम दो हो जाएगा। अब देखो वन माइनस टू, माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस में आ जाएगा। अब इसके बाद यानी दो में से घटाएंगे कितना बचेगा, एक बचेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का ए की वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का एक बटा दो। ठीक, क्योंकि दो हो गया, इसको इधर भेज देंगे तो माइनस का एक बटा टू हो गया। ठीक, यानी ए और बी की वैल्यू पता चल गया, अब हमें सी का पता करना। ठीक, और सी का पता चल जाएगा अगर हम एक बटा टू रख देंगे टी के स्थान पर। ठीक, देखो टी के स्थान पर एक बटा टू रखोगे तो यहाँ पर टी के स्थान पर एक बटा टू रखेंगे, दो से दो कट जाएगा, यहाँ पर एक में से घटाएंगे पूरा जीरो हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो वही चीज़ है, तो यहाँ पर भी टी की वैल्यू रखेंगे तो ये भी पूरा जीरो हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमें अब टी की वैल्यू रखना है तो हमें सी की वैल्यू आप पता चल जाएगा। ठीक, तो यानी एक बराबर में क्या हो जाएगा, एक बराबर में सी, उसके बाद वन माइनस, इसके स्थान पर हमें क्या रखना है एक बटा टू, उसके बाद में वन प्लस में टी था, टी के स्थान पर एक बटा टू रखना। ठीक, अब यहाँ पर वन बराबर में, अच्छा ए और बी वालों को इसलिए नहीं रखा क्योंकि वहाँ पर उनको रखोगे तो जीरो, मतलब उनमें अगर एक एक बटा टू रखोगे टी की वैल्यू तो वो जीरो हो जाएंगे। ठीक, इसलिए सिर्फ सी वाला बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इसको तिरियक गुणा कर दो तो दो इकन्नम दो, दो में से घटाएंगे तो एक बचेगा तो एक बटा टू हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, दो इकन्नम दो, दो एक तीन, यानी तीन बटा टू हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि ऊपर हो जाएगा तीन इकन्नम तीन, दो दुन्ना चार, इसको तिरियक गुणा करेंगे तो सी बराबर हो जाएगा चार बटा तीन। ठीक, अब देखो हमें ए बी और सी की वैल्यू पता चल गया, अब हम क्या करेंगे इसको, मतलब यहाँ पर जो था, जस्ट वन सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर ए बी सी, ठीक, इन सब के स्थान पर रख दो ए बी सी की वैल्यू, बस इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो इस समाकलन का चिन्ह लगा दो क्योंकि अब समाकलन करने जा रहे हो। ठीक, ये लगा दो, अब इसका मतलब इसकी इसकी वैल्यू रखो और समाकलन कर दो, बस आंसर। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू जो आया है वो आया है माइनस का एक बटा टू, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो कांस्टेंट है, देखो ए भी कांस्टेंट, बी भी कांस्टेंट, सी भी कांस्टेंट। ठीक, तो इनका वैल्यू जो आएगा वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको हम आगे निकालते चलेंगे। ठीक, माइनस का एक बटा टू आया है, उसके बाद में यह हो जाएगा वन माइनस टी हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। बी की वैल्यू जो आया है एक बटा छः आया है, तो प्लस में एक बटा छः हो जाएगा, और एक बटे में वन प्लस में टी हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। और यहाँ पर सी की वैल्यू जो आया है चार बटा तीन आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस में चार बटा तीन, और एक बटे में वन माइनस टू टी डी टी हो जाएगा। ठीक,
अब यहाँ पर इसका संकलन करेंगे तो ये सब लॉग वाले सूत्र बन जाएंगे, माइनस का एक बटा टू लॉग वन माइनस टी हो जाएगा, प्लस में एक बटे में छः, ये हो जाएगा हमारा लॉग वन प्लस में टी हो जाएगा, प्लस में चार बटा तीन, ये हो जाएगा लॉग वन माइनस टू टी हो जाएगा, उसके बाद वन माइनस टू टी का दोबारा होगा, तो यहाँ पर देखो वन माइनस टू टी बराबर में मान लो आपने वी मानोगे ठीक, वी मानोगे तो यहाँ पर इसका आकलन करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का टू, तो यानी कि माइनस का टू से दोबारा भाग कर देंगे ठीक, तो देखो ये टू से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दो, और ये प्लस माइनस बराबर माइनस हो जाएगा ठीक। देखो इसके स्थान पर आप कुछ ना कुछ मानोगे तभी तो ये लॉग वाला सूत्र बनेगा ठीक, मानते यहाँ पर भी हैं सब जगह मानोगे यहाँ पर, तो यानी इसका आकलन करोगे, जैसे कि मान लो इसके स्थान पर आपने बी माना, बी मानकर इसका आकलन कर दोगे, आकलन करने के बाद जो आएगा उसको आगे पीछे लिख दोगे ठीक, कांस्टेंट रहेगा तो उसको आगे निकाल दोगे ठीक। उसके बाद ये हो जाएगा एक बटा, इसके स्थान हो जाएगा वी, तो एक बटा वी का समाकलन क्या हो जाएगा लॉग वी हो जाएगा, लॉग फिर उसके बाद वी की वैल्यू रख दोगे ठीक, तो कुल मिलाकर आप ऐसे कर लेना जैसे करना चाहते हो ठीक, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया ऐसे ही कर लेना ठीक। ये जो हो जाएगा टी के स्थान पर ऐसा करो टी की वैल्यू रख दो ठीक सीधा, तो टी की वैल्यू कितना था, टी के स्थान पर देखो हमने जो माना था वो माना था कॉस एक्स ठीक, कॉस एक्स तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस का एक बटे में टू लॉग वन माइनस कॉस एक्स, प्लस में एक बटे में छः लॉग वन प्लस में कॉस एक्स ठीक, उसके बाद प्लस माइनस बराबर माइनस दो बटा तीन हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा लॉग वन माइनस टू कॉस एक्स ठीक, उसके बाद में प्लस में सी हो जाएगा, तो ये हमारा पूरा आंसर हो जाएगा ठीक। अब जस्ट वन सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पर ये है कि आपको मैं दिखा दूँ, सबसे पहले जो सवाल में था वो माइनस का चिन्ह भी था जिसको हम लोग स्किप करते जा रहे थे, मतलब उसको छोड़ते जा रहे थे ठीक, तो ये देखो माइनस था इसको हम लोगों ने क्या किया छोड़ दिया था ठीक, तो ऐसा करते हैं यहाँ पर इनके जो चिन्ह हैं अब बदल देते हैं ठीक, जो प्लस में है उसको माइनस में, माइनस वाला प्लस में ठीक कर देते हैं, तो थोड़ा से यहाँ पर ध्यान दे दो माइनस प्लस का मिस्टेक हो गया ठीक। अब यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया ठीक, देखो यहाँ पर भी जैसे यहाँ पर आपने जैसे कि मतलब यहाँ पर ये माइनस आ गया, मतलब इसका आकलन करोगे तो ये माइनस का टू हो जाएगा ठीक, क्योंकि एक का आकलन जीरो हो जाएगा, टी का करोगे इसका करोगे तो माइनस का टू हो जाएगा, उसी को भाग में लिख दोगे ठीक, यहाँ पर भी वही करोगे तो इसका तो जीरो हो जाएगा लेकिन यहाँ पर इसका माइनस एक हो जाएगा ठीक, तो कुल मिलाकर ये माइनस चिन्ह सबसे पहले लिख दो यहाँ पर ठीक, ये माइनस माइनस मतलब इसको प्लस कर देगा ठीक है, इतनी बात समझ गए ना, यहाँ पर मैंने इसको छोड़ दिया था थोड़ा आप ध्यान देना ठीक, थोड़ा आप इसको ध्यान देना ठीक। अब यहाँ पर ये मतलब प्लस हो गया ठीक, अभी जो हमारा माइनस वाला था वो समूचे बचा हुआ ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसको पहले प्लस बना दो ठीक, प्लस बना दो, ये हो गया। अब सबसे पहले वाला माइनस याद रखो, वो सबसे पहले माइनस जो था उसको अब यहाँ पर अप्लाई कर दो ठीक, कहने का मतलब है मान लो इसके आगे माइनस लगा हुआ ठीक, ये ऐसे लगा हुआ ठीक, अब माइनस से अंदर जब गुणा करेंगे तो इन सब के चिन्ह बदल जाएंगे ठीक, देखो ये प्लस में था, ये भी प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये प्लस में हो जाएगा, मतलब अब इसका चिन्ह बदल जाएगा ठीक, तो इसको माइनस में कर देंगे, इसको माइनस में कर देंगे, क्यों करेंगे, ये शुरू वाला जो माइनस है उसको अप्लाई कर रहे हैं ठीक, और ये इसको कर देंगे प्लस में, अब ये हमारा आंसर सही हो गया ठीक। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, तो ये है हमारा सवाल नंबर 16। अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे, अब यहाँ पर सबसे पहले जो कॉसेक है इसको हमें साइन में चेंज करना ठीक, आपको पता होगा कि कॉसेक बराबर क्या होता है, एक बटा साइन एक्स होता है, तो अब हम इसको क्या करेंगे साइन में पहले चेंज कर देंगे ठीक, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स, ऊपर वाला वैसे ही लिखना ठीक, ये हो जाएगा वन प्लस में एक बटे में, इसके स्थान पर लिख देंगे साइन एक्स ठीक, क्यों लिखा क्योंकि इसके बराबर होता है ठीक, ये वन प्लस में टू, और यहाँ पर भी हो जाएगा एक बटे में साइन एक्स हो जाएगा ठीक। अब देखो इसके नीचे भी एक मानो, इसके भी नीचे एक मानो, इसको इसका मतलब हर बराबर कर दो ठीक, तिरिया गुणा करके, तो ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा कॉस यक्स डी यक्स बटे में, ये हो जाएगा इधर गुणा करेंगे तो जाएगा साइन यक्स प्लस में एक हो जाएगा, ठीक, बटे में यहाँ पर हो जाएगा साइन यक्स, ठीक। उसके बाद इधर भी हो जाएगा इसी तरीके से, इधर गुणा करेंगे तो जाएगा साइन यक्स प्लस में दो इकन्नम दो हो जाएगा, बटे में नीचे क्या हो जाएगा साइन यक्स हो जाएगा, ठीक। और अब देखो दोनों गुणा में है तो नीचे नीचे ये जो साइन है, एक साइन ये हो गया एक साइन ये हो गया, ठीक, नीचे नीचे हो जाएगा, दोनों गुणा करोगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब ये साइन स्क्वायर, अब बटा के नीचे बटा है, देखो ये एक ये बटा है, मतलब एक बटा ये है एक बटा ये है, ठीक। तो बटा के नीचे कोई चीज़ बटा होता है तो वो पलट जाता है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर हो जाएगा, ठीक। तो यानी साइन स्क्वायर, ये जो नीचे है साइन स्क्वायर ये ऊपर हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर यक्स इंटू में ये क्या लिखा है कॉस यक्स डी यक्स बटे में, इधर ये हो जाएगा हमारा साइन यक्स प्लस में वन, और क्या है दूसरे ब्रैकेट में साइन यक्स प्लस में टू, ये हो जाएगा। अब हम साइन यक्स के स्थान पर टी मान लेंगे, ठीक। तो लिखेंगे साइन यक्स बराबर में टी, और इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस यक्स डी यक्स बराबर में डी टी, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस यक्स डी यक्स, इसके स्थान में डी टी लिखना है, देखो कॉस यक्स डी यक्स इसके स्थान पर हम डी टी लिख देंगे, यहाँ पर साइन एक्स के स्थान पर हमें टी लिखना है, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर बटे में, ये हो जाएगा टी प्लस में वन, और ये हो जाएगा टी प्लस में टू हो जाएगा, ठीक। अब देखो इस सवाल को आगे समझो कैसे लगाना है, ठीक। अब यहाँ पर अगर सबसे पहले इन दोनों को एक गुणा करो तो कितना हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा टी प्लस में टू, कितना हो जाएगा, मतलब देखो इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा टी से स्क्वायर हो जाएगा प्लस में यहाँ पर हो जाएगा टी कन्नम टी, प्लस में टू से गुणा करेंगे तो जाएगा टू टी, प्लस में दो इकन्नम दो हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस में दो एक तीन टी हो जाएगा, प्लस में टू हो जाएगा, ठीक, मतलब ये हो जाएगा। अब देखो नीचे ये मतलब बन जाएगा हमारा टी स्क्वायर बटे में टी स्क्वायर प्लस में थ्री टी प्लस में टू हो जाएगा, ठीक। देखो इसका भी घात बराबर, इसका भी घात बराबर, ठीक। देखो सबसे पहले मैंने जब, अब देखो यहाँ पर इसको पहले समझो, सबसे पहले मैंने जब आपको पढ़ाया था, सबसे पहला वाला जो मैंने वीडियो बनाया था बेसिक, इसका बिल्कुल बेसिक आंशिक भिन्न का, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था फंक्शन, यानी फंक्शन बताया था दो प्रकार के बताए थे, एक उचित फंक्शन बताया था, एक आपको बताया था विषम फंक्शन बताया था, ठीक। तो वहाँ पर क्या है, मैंने आपको बताया था कि जब देखो उचित फंक्शन का जो समाकलन होता है वो हम आंशिक भिन्न के तरीके से करते हैं, ठीक। अब जो विषम यानी कि परिमेय फलन होता है उसका जो समाकलन होता है वो कैसे करते हैं, देखो अगर ऊपर वाला जो लिखा है फंक्शन उसका घात और नीचे वाला जो फंक्शन लिखा है उसका घात, अगर दोनों का घात बराबर हो या फिर ऊपर वाला घात बड़ा हो नीचे वाले का घात छोटा हो, ठीक, तब तो वो क्या होता है विषम परिमेय फलन होता है। और विषम परिमेय फलन को सॉल्व कैसे किया जाता है अभी बताना है, ठीक। पहले समझ लो इसको, देखो या तो इन दोनों का घात बराबर हो तो इसको हम विषम फलन बोलेंगे, या फिर ऊपर वाले घात बड़ा हो तो इसको हम विषम फलन बोलेंगे, ठीक। तो ये देखो कौन सा फलन है, विषम फलन है। विषम फलन का जो समाकलन होता है वो हम कैसे करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को आपस में भाग कर लेते हैं, फिर इसका हम भाग तब इसका समाकलन करते हैं, तो इसका आसानी से समाकलन हो जाता है, ठीक। तो चलो इसका पहले मतलब विषम फलन है इसलिए इसको सबसे पहले हम इसको भाग करेंगे, ठीक। तो हम यहाँ पर भाग करने जा रहे हैं, ठीक, ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर, ठीक। तो इसको कैसा करते हैं एक बार ले जाते हैं तो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस में थ्री टी प्लस में टी हो जाएगा, चिन्ह बदलेंगे, ठीक, ये हो जाएगा इससे कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा माइनस का ये बचेगा, ठीक। तो यहाँ पर ये जो होता है मतलब जो यहाँ पर भागफल आता है उसको हम लोग प्लस में लिखते हैं, उसके बाद प्लस लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर जो शेष फल आता है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं यानी अंश में लिखते हैं, ठीक, और जिससे भाग करते हैं इसको बटे में लिख देते हैं, ठीक। यानी टी स्क्वायर थ्री टी प्लस में टू हो जाएगा, ठीक, यानी कि इस तरीके से अब हम इसको लिख देंगे, ठीक। तो जब विषम फलन हो, विषम परिमेय फलन हो तो उसको क्या करना है आपको भाग कर देना है, भाग करने के बाद इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक। अब इसका समाकलन करो, अब आसानी से हो जाएगा, ठीक।
अब यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो ये हो जाएगा वन माइनस, दोनों में माइनस कामा ले लो तो ये हो जाएगा माइनस में, ये दोनों जाएंगे प्लस में, ठीक हो जाएगा थ्री टी प्लस में टू बटे में हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस में थ्री टी प्लस में टू हो जाएगा डी टी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर इसको इससे गुणा करेंगे तो इसका जो समाकलन एक का समाकलन आसानी से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखो ऊपर वाला घात छोटा है नीचे वाला घात बड़ा है, तो ये कौन सा फलन हो गया, ये हमारा हो गया उचित प्रमेय फलन। उचित प्रमेय फलन का यानी इसका जो इसका समाकलन तो हो जाएगा सीधा ये मतलब टी हो जाएगा, ठीक, लेकिन ये हो गया हमारा उचित प्रमेय फलन। अब उचित प्रमेय फलन का जो समाकलन होता है वो आंशिक भिन्न से ही करना पड़ेगा, मतलब ये अब होगा, अब इसमें हम लगाएंगे हम लोग आंशिक भिन्न। ठीक, तो चलिए यहाँ पर इसको आंशिक भिन्न से सबसे पहले तोड़कर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो ये है। ठीक, अच्छा इस सवाल का सिस्टम कैसे है, क्या समझ में आया कि नहीं आया, पहले इस सवाल को सॉल्व कर लिया जाए फिर आपको हम थोड़ा से हिंट दे देकर फिर से समझा देंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, चलो इसको इसको मतलब गुणनखंड में तोड़ दो। ठीक, तो कैसे था, ये टी प्लस में वन था और टी प्लस में टू था। ठीक, और बराबर में ये हो जाएगा अब ए बटे में टी प्लस में वन प्लस में बी बटे में टी प्लस में टू। ठीक, और इसको हम लोग क्या करेंगे, इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इधर नीचे नीचे वाला कट जाएगा तो ऊपर जो लिखा उसको सिर्फ लिख दो। ठीक, ये लिखेंगे और इसको त्रिया गुणा करेंगे प्लस में हो जाएगा बी हो जाएगा टी प्लस में वन। अब देखो टी के स्थान पर एक बार रखेंगे हम लोग माइनस का टू, एक बार रखेंगे माइनस का वन। ठीक, तो माइनस का टू रखो पहले, तो यहाँ पर दो रखेंगे तो माइनस दो दून मतलब कितना हो जाएगा, दो त्या ही छः हो जाएगा प्लस में टू हो जाएगा, बराबर में ये हो जाएगा माइनस का टू प्लस का टू हो जाएगा प्लस का बी और ये हो जाएगा माइनस का टू प्लस में वन। ठीक, दो में से दो घटाएंगे जीरो हो जाएगा और यहाँ पर इसमें से घटाएंगे माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस का चार आ जाएगा, बराबर में इधर क्या हो जाएगा माइनस टू प्लस में वन घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का आएगा, मतलब माइनस का चिन्ह देखो यहाँ पर बड़ा है तो हो जाएगा माइनस का बी, यानी बी की वैल्यू जो आ गया वो क्या हो गया प्लस का चार आ गया। ठीक, माइनस वन रखेंगे तो यहाँ पर तीन कन्नम तीन माइनस तीन प्लस में टू हो जाएगा, बराबर में ये हो जाएगा माइनस का वन प्लस का टू हो जाएगा प्लस का बी और यहाँ पर रखेंगे माइनस का वन प्लस में वन, एक में से घटाएंगे जीरो हो जाएगा पूरा और यहाँ पर इसमें से घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में क्योंकि प्लस का चिन्ह बड़ा है तो यहाँ पर तीन में से दो घटाएंगे कितना हो जाएगा माइनस का एक आ जाएगा। ठीक, कुल मिलाकर ए का वैल्यू जो आ गया माइनस का वन आ गया और बी का फोर हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे इसका समाकलन कर देंगे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखो ये पूरा हमारा सवाल है, यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ समाकलन का एक्स्ट्रा चिन्ह लगाया है। ठीक, और कुछ भी नहीं किया मैंने, देखो सबसे पहले एक था, ठीक, उसके बाद माइनस था, फिर उसके बाद इसको हम लोगों ने आंशिक भिन्न में तोड़ दिया। ठीक, ये हो गया, अब ए और बी की वैल्यू हमें सिर्फ रखना है बस और कुछ नहीं करना है। इसका चलो समाकलन कर देते हैं, टी है तो इसका हो जाएगा समाकलन सीधा से टी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद माइनस में यहाँ पर सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट लगाओ क्योंकि माइनस दोनों में मतलब दोनों से गुणा होगा माइनस से, तो यहाँ पर एक के स्थान पर क्या आया माइनस का एक आया तो हो जाएगा माइनस का एक बटे में टी प्लस में वन हो जाएगा, उसके बाद में डी टी हो जाएगा और यहाँ पर आया चार तो चार आगे आ जाएगा एक बटे में टी प्लस में टू हो जाएगा डी टी हो जाएगा। ठीक, और इसको समाकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा लॉग वाला सूत्र। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस अंदर गुणा कर दो। ठीक, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा लॉग टी प्लस में वन हो जाएगा प्लस में, सॉरी ये इससे इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में चार और लॉग उसके बाद में हो जाएगा टी प्लस में टू प्लस में सी हो जाएगा। ठीक, देखो तो टी के स्थान पर हमने क्या माना था, तो टी के स्थान पर हमने जो माना था वो माना था, ठीक, तो यहाँ पर हमने माना था साइन एक्स, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे साइन एक्स। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स प्लस में, देखो ये देखो माइनस में है तो यहाँ पर ये भाग वाला सूत्र बन जाएगा, ये हो जाएगा देखो टी के स्थान पर रखेंगे हम लोग साइन एक्स प्लस में वन। ठीक, देखो यही चीज़ है, सिर्फ टी की वैल्यू रखा यहाँ पर लिख दिया बटे में, बटा क्यों लगाया क्योंकि यहाँ पर ये माइनस में दोनों लॉग हैं। ठीक, ये चार यहाँ पर आ जाएगा, लॉग वाला सूत्र जानते होंगे कि इस लॉग के आगे कुछ भी होता है वो घात बन जाता है यहाँ पर आकर। ठीक,
तो ये बन जाएगा, इसके स्थान में टी रखेंगे, सॉरी साइन एक्स रखेंगे, ठीक। तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस में टू, इसका घात ये वाला बन जाएगा चार, ठीक है, चार लिख देंगे और प्लस में सी लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अच्छा यहाँ पर मैंने क्या किया, थोड़ा समझ लो हिंट, ठीक। देखो यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर मैंने ये बताया कि अगर दोनों का घात बराबर हो तो उसको हम बोलेंगे यानी कि विषम परिमेय फलन, अगर ऊपर वाला घात घात मतलब बड़ा हो, नीचे वाला छोटा घात हो तो उसको भी हम बोलेंगे परिमेय यानी कि परिमेय फलन, ठीक। अगर आपको नहीं पता है, बेसिक वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाकर देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, वहाँ से जाकर समझ लेना, ठीक, कि विषम परिमेय फलन क्या होता है, उचित परिमेय फलन क्या होता है, ठीक, ये सब समझ लेना। और वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि अगर यानी कि विषम परिमेय फलन हो तो उसको सबसे पहले भाग करते हैं, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं, ठीक, जो कि मैंने यहाँ पर कर दिया है, ठीक। तो आई होप आप इस सवाल को समझ गए होंगे, चलिए मैं आपको अगला सवाल बता देता हूँ। तो ये देखो हमारा 17 नंबर सवाल है, अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर रिपीटेड वाला क्वेश्चन, थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना, रिपीटेड वाला क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा ऐसे करते हैं, इसको आंशिक भिन्न में तोड़ते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा एक बटे में यक्स वन प्लस में यक्स का होल स्क्वायर, इसको आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे तो सबसे पहले सिंपल सा इसको इस यानी यक्स का घात कितना, एक है, यक्स यानी ए बटे में यक्स लिख देंगे प्लस में रिपीटेड वाला जो है, अब इसको ध्यान देना, इसको सबसे पहले लिखेंगे बी, बी क्यों लिखेंगे सिर्फ यहाँ पर, क्योंकि यक्स का पावर एक है, ठीक, तो इसको लिखेंगे वन प्लस में यक्स, ठीक। रिपीटेड वाला जो होता है, अगर इसका घात दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, कैसे लिखना है इसको, सबसे बारी बारी से लिखना, ठीक। सबसे पहले इसका घात एक बनाना है, फिर दो बनाना है, फिर अगर यहाँ पर तीन होता तो तीन भी बनाते, ठीक। प्लस में देखो इसका घात एक हो गया, ठीक, अब इसको हम लिखेंगे सी, देखो बी के बाद क्या आता है, सी आता है, ठीक, तो लिखेंगे वन प्लस में यक्स का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब बस हो गया, ऐसे करना, अगर यहाँ पर क्यूब होता तो प्लस में डी करके अब फिर वन प्लस में यक्स का पावर क्यूब करते, ठीक, ऐसे लिखते, मतलब एक एक करके इसका घात ऐसे लिखना है, ठीक। इस तरीके से इसको तोड़ना है, तोड़ने के बाद अब देखो नीचे नीचे वाला कुल मिलाकर कट ही जाएगा, सब पता है, ठीक। ऊपर क्या बचा है, एक है, एक लिखेंगे बराबर में, इधर सीधा तिरियक गुणा करके इसका हर बराबर कर देते हैं, ठीक। देखो यहाँ पर अगर हम वन प्लस यक्स से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो ये बन जाएगा स्क्वायर, दोनों का हर बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर हर बराबर करने की ज़रूरत नहीं है, इतने से इधर गुणा कर देंगे ऊपर नीचे इसमें भी तो इसका भी हर बराबर हो जाएगा, ठीक। तो इसमें लिखेंगे वन प्लस में यक्स का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस में इधर किसकी कमी है, सिर्फ और सिर्फ इस यक्स की, ठीक, और यहाँ पर वन प्लस में यक्स पहले से है, इस यक्स से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, उसके बाद प्लस में सी, यहाँ पर किसकी कमी है, इस यक्स की, ठीक, ये यक्स लिख देंगे, ठीक, हो गया ना। मतलब इसका कुछ भी नहीं किया मैं यहाँ पर, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसका हर बराबर किया, ठीक। इसको सॉल्व कर लेना अगर आप यहाँ पर नहीं समझ पाए, ठीक, थोड़ा वीडियो को पीछे कर लेना अगर समझ में ना आया, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो एक बार आपको यक्स के स्थान पर जीरो रखना है और एक बार यक्स के स्थान पर माइनस वन रखना है, ठीक। यहाँ से मैंने इसकी वैल्यू निकाल लिया, यक्स बराबर एक बार जीरो रखना है, यक्स बराबर अगर एक बार आपको क्या करना होगा, माइनस वन रखना, ठीक। रखोगे तो ए और बी की वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक, और चाहो तो इसका ब्रैकेट खोलो और इसको तुलना कर दो, वैसे भी आप ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक, दोनों तरीके हैं। अच्छा लो यहाँ पर सबसे पहले जीरो रखते हैं, जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स के स्थान पर, ठीक, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर जीरो रख देंगे तो जीरो वन प्लस में, तो यानी जीरो हो जाएगा, मतलब वन प्लस में जीरो जोड़ेंगे तो एक ही हो जाएगा, एक कवर करेंगे तो एक हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा एक प्लस में, यहाँ पर जीरो रखेंगे तो ये समाप्त हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा बन जाएगा कुल मिलाकर ए प्लस में बी बराबर में एक हो जाएगा, ठीक, समीकरण फर्स्ट मान लो। अच्छा इसको उसके बाद माइनस वन चलो रखते हैं, माइनस वन रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वन प्लस में वन स्क्वायर प्लस में बी माइनस वन प्लस में वन प्लस में सी माइनस वन रखेंगे, ठीक, ये भैया जीरो, ये जीरो, ठीक, मतलब जीरो जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर वन बचेगा, इधर बचेगा माइनस का सी बचेगा, ठीक, ये मतलब सी की वैल्यू कितना आ गया, माइनस का एक आ गया, ठीक। थोड़ा से मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया, ठीक, ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर जीरो रखते समय कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये सबसे पहले मैंने यक्स के स्थान पर जीरो माना था ना, तो देखो यहाँ पर ये भी तो यक्स है,
तो ये जीरो इसको बना देगा, जीरो 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 जीरो, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक, मतलब b ख़त्म हो जाएगा, a बराबर एक आ जाएगा। ठीक, a की वैल्यू यहाँ से एक आ जाएगा और b यानी c की वैल्यू आ गया माइनस वन। ठीक, अब हमें चाहिए सिर्फ b की वैल्यू। ठीक, अब b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आप समझे कि नहीं समझे, यहाँ पर मैंने x बराबर जीरो रख रहे थे, यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने x को ध्यान नहीं दिया, मैंने इतना ही समझ बैठा था। ठीक, तो यहाँ पर x की तरह जीरो रखे, यहाँ पर इसको, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ b लिख दिया। ठीक, इसके लिए सॉरी। अब यहाँ पर मैंने जब ध्यान दिया तो यहाँ पर जीरो रखा तो ये पूरा ख़त्म हो गया। ठीक, यहाँ पर जैसे ये पूरा ख़त्म हो गया। ठीक, कुल मिलाकर a की वैल्यू ये आ गया, c की वैल्यू आ गया माइनस वन, b की वैल्यू कैसे निकालें, इसको 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 ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, फिर आ जाएगा v की वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, वन है प्लस में, सॉरी वन है बराबर में है, उसके बाद में a लिखेंगे, इसका ब्रैकेट यहाँ पर खोल दो तो हो जाएगा वन का स्क्वायर। ठीक, मतलब होल स्क्वायर था, तो वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस में टू ए बी, ये हो गया प्लस में, और यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स हो जाएगा प्लस में, और इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा यक्स स्क्वायर। ठीक, प्लस में सी यक्स है। ठीक, ये हो गया। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन बराबर में ए, इसमें इसका पूरा ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस में ए यक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा टू ए यक्स प्लस में, इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बी यक्स प्लस में बी यक्स स्क्वायर प्लस में सी हो जाएगा। ठीक, सी यक्स हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यक्स वाले जो गुणांक हैं यक्स स्क्वायर वालों को एक साथ कर ले लेंगे, एक साथ कर लेंगे, देखो इसमें भी यक्स स्क्वायर, इसमें भी यक्स स्क्वायर, यक्स स्क्वायर हम लेंगे कामा। ठीक, उसके बाद में क्या हो जाएगा, अंदर ए प्लस में बी हो जाएगा और बराबर में इधर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से हम यक्स वालों को एक साथ कर ले लेंगे। ठीक, मतलब इसको और इसको एक साथ कर ले लेंगे, इसको कर लेंगे। ठीक, इसी तरीके से कर लेना, लेकिन उन सब की ज़रूरत नहीं है। ठीक, चलो अच्छा कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा, अगर यक्स वालों को एक साथ करेंगे तो टू ए हो जाएगा प्लस में बी हो जाएगा प्लस में सी हो जाएगा और ये हो जाएगा यक्स। ठीक, और प्लस में ए लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसका तुलना करेंगे तो देखो यक्स स्क्वायर का तुलना, मतलब तुलना का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पर टू यक्स लिखा है बराबर में इधर लिखा है ए प्लस में बी का यक्स लिखा। ठीक, तो अगर कहें इसको तुलना करो, तुलना करने का मतलब है कि यक्स वाला देखना, इधर भी यक्स वाला हो इधर भी यक्स वाला हो। ठीक, अब यक्स के आगे जो गुणांक है, मतलब यक्स के आगे जो लिखा है इसको और इस पार यक्स के आगे जो लिखा है, इन दोनों को बराबर कर दो, बस हो गया तुलना। अब इधर यक्स स्क्वायर को कोई सथिया मिल ही नहीं रहा, नहीं मिल रहा तो आप बना सोच भी सकते हो कि यक्स स्क्वायर मतलब जीरो यक्स स्क्वायर है, क्योंकि यक्स स्क्वायर में अगर जीरो से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो ही होगा, तो जीरो के स्थान पर इसको हम लिख सकते हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर इसका गुणांक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, तो ये बन जाएगा, इसका तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो इसके बराबर में। ठीक, बस अब b की वैल्यू देखो, a की वैल्यू अगर पता है तो b की वैल्यू अब हमें ज़रूरत नहीं आगे, a की वैल्यू हमें पता है ना, तो देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसको b को इधर भेजेंगे तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का b हो जाएगा। ठीक, तो अगर a के स्थान पर एक है तो b बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का एक, पता चल गया ना। अब तीनों की वैल्यू पता चल गया, अब रखो और सीधा समाकलन कर दो, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, सबसे पहले हमारा था a बटे में यक्स था प्लस में b बटे में वन प्लस में यक्स था प्लस में c बटे में वन प्लस में यक्स का होल स्क्वायर था। ठीक, ये था, इसके स्थान पर कितना आया, मतलब एक आया, तो ये हो जाएगा एक बटा यक्स डी यक्स प्लस में b के स्थान पर कितना आया, माइनस का एक आया, माइनस रखो, एक बटे में वन प्लस में यक्स हो गया। सी के स्थान पर माइनस एक आया तो माइनस रखो, यहाँ पर डी एक्स लिख दो और ये हो जाएगा एक बटे में वन प्लस में यक्स का स्क्वायर हो जाएगा डी एक्स। ठीक, अब इसका समाकलन करोगे तो ये सब लॉग बन जाएंगे, ये हो जाएगा लॉग यक्स माइनस, ये भी हो जाएगा हमारा लॉग वन प्लस में यक्स, और यहाँ पर इसका मतलब जब करोगे समाकलन तो सीधा से हो जाएगा इसका होगा माइनस का एक बटे में वन प्लस में यक्स। ठीक,
कैसे होगा अभी बता रहे हैं। तो यानी ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक बटे में यक्स प्लस में वन हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर प्लस में सी जोड़ दो, अब यहाँ पर क्या है, ये लॉग एम हो जाएगा, लॉग एन हो जाएगा, तो ये भाग वाला सूत्र बन जाएगा, तो जाएगा लॉग यक्स बटे में यक्स प्लस में वन हो जाएगा। ठीक, और प्लस में ये हो जाएगा एक बटे में यक्स प्लस में वन प्लस में सी। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले हम आपको समझाना चाहते हैं, यहाँ पर एक बटे में इसके स्थान पर आप टी मान लो। ठीक, इसके स्थान पर मतलब टी मानो, टी मानोगे तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस में यक्स बराबर में टी, तो ये हो जाएगा डी एक्स बराबर में डी टी हो जाएगा, जहाँ पर डी एक्स वहाँ पर डी टी लिखना है, यहाँ पर हम डी टी लिखेंगे इसके स्थान पर, तो ये हो जाएगा हमारा एक बटे में टी, और यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, और टी को ऊपर ले जाओगे तो टी माइनस टू हो जाएगा बटे में। ठीक, इसका संकलन करेंगे तो प्लस में वन जोड़ेंगे और बटे में माइनस टू प्लस में वन कर देंगे, तो हो जाएगा टी का पावर माइनस वन हो जाएगा, बटे में माइनस वन हो जाएगा, इसको नीचे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का एक बटा टी हो जाएगा। टी के स्थान पर आपने क्या माना, एक वन प्लस में यक्स। ठीक, ये माइनस लगा, माइनस लगाओ। ठीक, तो आ गया ना इसका आंसर, मतलब इसको संकलन करोगे तो इतना ही आ गया। ठीक, तो कुल मिलाकर याद रखना, एक बटा टी स्क्वायर हो तो इसका संकलन कभी करना हो तो सीधा सा माइनस एक बटा टी, इतना याद रखो। ठीक, ये इसका संकलन होता है। ठीक, आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सवाल नंबर 18 को। ठीक, तो ये है हमारा सवाल नंबर 18, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक, तो चलिए आपको बताते हैं, रिपीटेड वाला ये भी क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसको क्या करते हैं हम लोग, सीधा सा ऐसा करते हैं, इसको सीधा सा हम लोग क्या करेंगे, इसको सीधा सा मतलब यानी कि जो आंशिक भिन्न में है, सीधा इसको तोड़ दो। ठीक, आंशिक भिन्न से जब इसको तोड़ेंगे सीधा, तो क्या हो जाएगा, यक्स माइनस टू और यक्स प्लस में वन का पावर क्यूब हो जाएगा। ठीक, बराबर में इधर क्या हो जाएगा, ए बटे में ये हो जाएगा हमारा यक्स माइनस टू हो जाएगा, प्लस में ये लिखेंगे बी बटे में, रिपीटेड वाला है ध्यान देना, यक्स प्लस में वन लिखेंगे, इसका पावर एक हो गया, प्लस में सी बटे में यक्स प्लस में वन का पावर स्क्वायर हो जाएगा आपकी। ठीक, उसके बाद में डी बटे में यक्स प्लस में वन का पावर तीन हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। तो कहने का मतलब है, जब कोई चीज़ जब इसका घात मतलब तीन हो, चार हो, या पाँच हो, या दो हो, तो इसका मतलब जो घात होता है बारी बारी से करके लिखते हैं। ठीक, और यहाँ पर सिर्फ हमने बी सी इसके सिंगल कैसे नहीं लिखा, मतलब हम बी एक्स प्लस में सी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर होता तो ऐसे लिखते। ठीक, क्योंकि यहाँ पर एक्स का घात एक है, इसलिए यहाँ पर इसको सिंगल सिंगल ऊपर लिख रहे हैं। ठीक, समझ लेना। अब यहाँ पर इसका पावर याद रखना, रिपीटेड वाला एक एक करके यानी बढ़ता जाता है। ठीक, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम, सीधा सा ए बी सी डी की वैल्यू हमको पता करना है, अगर इसकी वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, सीधा सा यहाँ पर रख देंगे, इसका संकलन कर देंगे, हमारा तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक, अगर हमें ए, देखो आंशिक भिन्न वाले सवाल इसलिए बड़े हो जाते हैं क्योंकि बात ये है कि यहाँ पर ए और बी की, और मतलब ए बी या सी या डी कुछ भी होता है, इसकी वैल्यू निकालने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है बस, बाकी और तो सवाल बहुत ईजी होते हैं आंशिक भिन्न वाले, बहुत ईजी होते हैं आंशिक भिन्न वाले, सच हकीकत में बता रहे हैं। बस अंतर इतना इसलिए बड़े हो जाते हैं, बस अंतर यही है कि इन सब की वैल्यू निकालने में बड़े हो जाते हैं। ठीक, नहीं तो देखो मान लो अगर ए बी सी डी वैल्यू हमें पता है, सीधा से इसका हम सीधा सा समाकलन कर देंगे, ज़्यादा ज़्यादा समाकलन कितना होगा, ज़्यादा ज़्यादा इसका समाकलन यहाँ तक हो जाएगा। ठीक, बस आधे पेज में हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, लेकिन ए और बी और सी की वैल्यू निकालने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक, चलिए यहाँ से निकालते हैं डायरेक्ट। अच्छा, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कुछ, जानते क्या सोच रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि इसके पहले मैंने जो सवाल बताया आपकी दिखाते हैं। देखो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने ऊपर यानी कि टी का पावर स्क्वायर था, मतलब टी स्क्वायर था, तो इसको मैंने क्या किया, भाग करके इस तरीके से बताया। ठीक, अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे, जस्ट वन सेकंड, अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी तो एक्स स्क्वायर यानी इसका घात टू है, यहाँ पर भी ऊपर तो इसकी पावर घात मतलब टू है, तो यहाँ पर मैंने इसको इसका क्यों भाग नहीं किया। ठीक, अगर ये कन्फ्यूजन है तो दूर कर लो कि ये कन्फ्यूजन, इसलिए मैंने यहाँ पर भाग नहीं किया क्योंकि ऊपर वाला घात देखो दो है, नीचे वाला घात देखो अगर इसका ब्रैकेट भी खोलेंगे तो भी इसका जो घात बन जाएगा वो देखो, इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो इसका घात तीन वाला बन जाएगा, उसके बाद इससे भी अगर गुणा करोगे तो इसका घात चार वाला बन जाएगा। कुल मिलाकर ऊपर वाला घात छोटा है, नीचे वाला घात बड़ा है, तो मैंने बताया था ये कैसा फंक्शन है, ये उचित यानी कि उचित परिमेय फलन है। ठीक, तो जब विषम परिमेय फलन होता है तभी उसको हम भाग करते हैं। ठीक,
ये आपका उचित प्रमेय फलन है, इसलिए इसका सीधा सम इसका इसको सीधा सम आंशिक भिन्न में तोड़कर इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, यानी सॉल्व हो जाएगा। ठीक, देखो अगर आप मेरे सभी वीडियो कंटिन्यू देखते होंगे तो अगर आपको थोड़ा सा भी अगर डाउट हो जाए तो आप मुझे बताना। ठीक, अगर आप ध्यान से पूरे एक एक वीडियो को अगर आप ध्यान से देखते होंगे और अपने अपना नोट्स बना रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक, अगर नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। ठीक, आप अच्छे से अगर समझते रहे होंगे तो आपको सब पता होगा कि प्रमेय फलन क्या होता है, विषम प्रमेय फलन क्या होता है, उचित प्रमेय फलन क्या होता है और किसका हम कैसे समाकलन करते हैं, सब आपको पता होगा। ठीक, हमें ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अगर आप कंटिन्यू वीडियो देखते होंगे तो। ठीक, अब यहाँ पर इसका सीधा सा हम क्या करेंगे, सीधा सा इसका हर बराबर करेंगे और बस इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक, चलो पता है कि नीचे नीचे वाला कट जाएगा तो हम सीधा ऊपर वाला जो लिखा है इसको लिखते हैं। ठीक, फालतू एक दो स्टेप और बड़ा हो जाएगा। ठीक, इससे मतलब नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो यहाँ पर कमी कितने की है, यहाँ पर कमी है यक्स प्लस में वन से, अगर हम इस स्क्वायर से ऊपर नीचे गुणा भाग कर दें तो ये इसका भी घात तीन हो जाएगा। यहाँ हम कितने से गुणा करेंगे, यक्स प्लस में वन से अगर मतलब गुणा भाग ऊपर नीचे करेंगे तो इसका भी घात तीन हो जाएगा, इसका भी घात तीन हो जाएगा, इधर तो घात तीन है ही। ठीक, अब हमें क्या करना है, यानी यक्स प्लस में वन घात के पावर इधर तीन गुणा करना है। ठीक, यक्स प्लस में वन की पावर घात तीन हो गया। ठीक, प्लस में आप चाहे जैसे करना, चाहे जैसे जानते हो। ठीक, अगर आपको मतलब ऐसे नहीं समझ में आ रहा, ठीक, तो कुल मिलाकर हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, इसका हर बराबर कर रहे हैं। ठीक, आप चाहे जैसे करें, जैसे करना जानते हो वैसे करें। ठीक, उससे नहीं मतलब है, सिर्फ ए बी सी डी का हमें वैल्यू निकालना है यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर इसको इससे गुणा करेंगे, अगर मतलब आपको अगर कन्फ्यूजन कहीं अगर लग रहा हो ऐसे, ठीक, कि हम कैसे ये कैसे कर रहे हैं। ठीक, इसको इधर गुणा कर दो बस। ठीक, उसके बाद प्लस में बी और इसको इससे गुणा करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स प्लस में वन यक्स माइनस में टू प्लस में ये वाला क्या है, यहाँ पर बी हो गया, सॉरी ये सी है और ये है डी। ठीक, डी हो गया और ये हो जाएगा यक्स माइनस टू। ठीक, मतलब इसको इससे गुणा कर देंगे। ठीक, हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसा करते हैं, ऐसा करो थोड़ा सा एक स्टेप इसको इसका ब्रैकेट खोल कर इसको सॉल्व कर लो। ठीक, तो कैसे करेंगे, वन प्लस में यक्स स्क्वायर लिखा इसको लिख दो बटे में, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो सबसे पहले हम बड़ा ब्रैकेट पर लगा दो। ठीक, इसको मतलब ए प्लस में बी का होल क्यूब से इसको तोड़ोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, यानी ए का क्यूब करोगे तो एक ही होगा। ठीक, प्लस में थ्री ए बी होता है, थ्री लिखेंगे ए बी यानी थ्री एक्स हो गया। ठीक, ब्रैकेट में वन प्लस में यक्स होता है। ठीक, ये ब्रैकेट से मैंने तोड़ दिया मतलब इसको खोल दिया, इधर इसको खोलेंगे तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस में वन प्लस में टू यक्स और एक ब्रैकेट में वन यक्स माइनस टू है प्लस में इधर क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सी यक्स स्क्वायर और दो यक्स हो जाएगा प्लस में यक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का यक्स आ जाएगा माइनस माइनस टू हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा उसके बाद में प्लस में डी यक्स माइनस टू है। ठीक, यहाँ पर मैं आप इसको सॉल्व कर लेना इन दोनों गुणा भाग करके। ठीक, मतलब गुणा करके आप इसको सॉल्व कर लेना, इतना ही आएगा। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा से एक स्टेप और इसको कर लो। ठीक, मतलब थोड़ा से यहाँ पर आप क्या करना है, इसको ए से अंदर गुणा कर दो। ठीक, ए से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ए यक्स क्यूब प्लस में इससे इसमें गुणा करेंगे तो ए हो जाएगा प्लस में इसमें गुणा करेंगे तो थ्री ए हो जाएगा, इस यक्स से इसमें गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, प्लस में और इसको इससे गुणा करेंगे तो थ्री एक्स हो जाएगा, ए से भी गुणा करेंगे तो थ्री ए यक्स हो जाएगा। ठीक, देखो यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया है, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री एक्स। ठीक, थ्री एक्स स्क्वायर हो गया, ए से गुणा करोगे तो थ्री ए बीच में आ जाएगा। ठीक, उसके बाद इसको इसमें गुणा करोगे, भाई इसका तो ब्रैकेट खोलोगे, इसको इससे गुणा करोगे और ए से भी गुणा कर दोगे तो थ्री ए एक्स हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर बी बी हो जाएगा, उसके बाद में आप पहले इसको इसको गुणा भाग कर लो। ठीक, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो यक्स का पावर तीन हो जाएगा
इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस में ई एक्स हो जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस में टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको इसमें गुणा करेंगे माइनस का टू हो जाएगा, यहाँ पर गुणा करेंगे तो माइनस का फोर एक्स हो जाएगा। ठीक, प्लस में यहाँ पर जो सी वाला है प्लस में क्या बचा है, सी एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में टू प्लस में डी एक्स माइनस टू। ठीक, ये इससे कट जाएगा और यहाँ पर माइनस चार है, यहाँ पर एक्स है, चार में से एक्स घटाएंगे माइनस का थ्री एक्स हो जाएगा। ठीक, तो ये कुल मिलाकर हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस में ये हो जाएगा ए प्लस में थ्री ए एक्स स्क्वायर प्लस में थ्री ए एक्स हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर और प्लस में यहाँ पर क्या है, सिर्फ मैंने इसको लिखते चले आए, ठीक, यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, ये हो जाएगा इसका मतलब ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा बी एक्स क्यूब हो जाएगा, इसको देखो ये वाला एक्स ये माइनस का फोर से गुणा करेंगे तो माइनस का चिन्ह बड़ा है, माइनस का आ जाएगा थ्री, उसके बाद बी से गुणा करेंगे तो थ्री बी एक्स हो जाएगा। ठीक, उसके बाद माइनस का टू बचा है तो माइनस का टू बी हो जाएगा, प्लस में इधर ब्रैकेट खोलेंगे तो सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का सी एक्स हो जाएगा माइनस का टू सी हो जाएगा। ठीक, प्लस में डी एक्स हो जाएगा माइनस का टू डी हो जाएगा। ठीक, क्यूब वालों के साथ एक्स स्क्वायर वालों को एक्स स्क्वायर वालों के साथ और एक्स वालों को एक्स वाले के साथ करके कामा ले लो। ठीक, तो ये हो जाएगा वन प्लस में एक्स स्क्वायर बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो क्यूब वाले क्या हैं, बस क्यूब वालों को ले लो और कुछ भी नहीं करना। ठीक, यहाँ पर हम सीधा जुगाड़ बता रहे हैं। ठीक, देखो इसको इसको एक साथ करोगे तो यहाँ पर क्यूब कामा ले लोगे तो बचेगा यक्स, ये बचेगा। ठीक, बाकी और जो होगा वो आप कर लेना। ठीक, और हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब आपको बता रहे हैं। ठीक, यक्स क्यूब वाला इधर कोई इसका व्यवहार ही नहीं है। ठीक, देखो यहाँ पर यक्स क्यूब वाला नहीं है ना, स्क्वायर वाला है। ठीक, तो यानी इसको इधर लिखेंगे जीरो इसको। ठीक, इसका तुलना जब करेंगे तो यक्स बराबर जीरो जाएंगे। ठीक, क्यों जीरो होगा, अभी मैंने इसको आगे बताया था ना, तो ये जीरो जाएगा, बस इतना समझ लो। और अच्छा यहाँ पर थोड़ा से समझ लो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वालों को भी एक साथ कर लो। ठीक, अच्छा यहाँ पर एक्स स्क्वायर वालों को एक साथ करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री ए और प्लस में एक्स स्क्वायर वाला कहाँ है, प्लस में सी हो जाएगा बस। ठीक, प्लस में सी। ठीक, अब आगे आप करना चाहें तो कर लें और वो हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्री ए प्लस में सी बराबर में एक्स स्क्वायर वाला सतिया, इसका गुणांक कितना है, एक है, तो एक हो जाएगा, समीकरण दो मान लो, बस इतना ही करना है, बस दो समीकरण पता कर लेना है, इसके बाद आपको सबकी वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक, कैसे, देखो बाकी आप सबकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करो, यहाँ पर कहाँ गया। ठीक, देखो यहाँ से आप पहले यक्स की वैल्यू निकाल लो। ठीक, यक्स की वैल्यू निकालेंगे तो दो आ जाएगा और एक बार निकालेंगे यक्स की वैल्यू माइनस वन हो जाएगा। ठीक, मतलब इसके बराबर जीरो करोगे तो माइनस वन हो जाएगा, इसके बराबर जीरो करोगे यक्स के बराबर। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर यक्स की वैल्यू जो दो है और एक माइनस एक है। ठीक, इसको क्या करना है आपको, यहाँ पर धर देना है और धरने के बाद इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ से या तो मतलब इन चारों में से ए बी सी डी में से किसी दो का वैल्यू पता चल जाएगा, उसके बाद फिर दो की वैल्यू आप निकाल लेना। ठीक, देखो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या कर रहे हैं हम बार बार, या तो फिर मतलब एक्स की वैल्यू निकाल लो धर दो, या तो फिर तुलना ही करके बता दो। ठीक, आप सोच रहे होंगे ना, देखो आप तुलना तो कर लिए, चलो ठीक है, मैंने आप सोच रहे होंगे कि मैंने तुलना भी नहीं कराया और मैं आधा आधा क्या कर रहा हूँ। ठीक, देखो चाहो तो आप यहाँ पर इन सबको लिख कर इसी तरीके से तुलना करके इनका पहले से समीकरण इनको सॉल्व करो, अच्छे से इनको कर सकते हो। ठीक, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जितना आसान तरीके से मैं आपको बता सकूँ उतना बताऊँ। ठीक, तो देखो यहाँ पर मतलब कि यहाँ से अगर दो की वैल्यू रख कर, जैसे यक्स के मान कितने हैं, दो हैं, दो मान रख कर जब आप सॉल्व करोगे तो बस दो, यहाँ पर चार वैल्यू ना ए बी सी डी, तो यहाँ पर बस दो ही की वैल्यू निकल पाएगा, बाकी दो की वैल्यू जो निकलेगा वो आप इन दोनों समीकरणों से निकाल लेना,
इसलिए मैं सोच रहा हूँ अगर आप यहाँ पर जितना पूरा इसको तुलना करके सॉल्व करोगे वो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक। और जो तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ इस बस इतना करने के बाद ये दोनों समीकरण और इन दोनों की रख कर मैन सॉल्व कर लेना, चारों की वैल्यू आ जाएगा, ठीक। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक। जो आसान तरीका बस वही बता रहा हूँ आपको। अब देखो क्या करना है आपको, इतना यहाँ पर ये जो पूरा है, ठीक, यहाँ पर रखो मान इसका, फिर इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम x के स्थान पर दो रखते हैं, ठीक। दो रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा दो दूना चार हो जाएगा, ठीक। बराबर में इधर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर दो रखेंगे तो दो एक तीन हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर समझो दो यहाँ पर रखेंगे तो दो एक तीन हो जाएगा और ये हो जाएगा तीन का घात तीन हो जाएगा, ठीक। उसके बाद प्लस में यहाँ पर अगर हम दो रखेंगे तो दो में से दो घटाओगे जीरो हो जाएगा, यानी ये गुणा में है तो पूरा बी वाला पूरा चौपट हो जाएगा, यानी जीरो मतलब ख़त्म हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर भी अगर दो रखोगे दो में से दो घटाओगे तो ये भी पूरा गुणा में है तो यानी सी वाला भी पूरा चौपट हो जाएगा, और डी में अगर रखेंगे तो दो में से दो घटाएंगे ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक। कुल मिलाकर यहाँ से हम ए की वैल्यू अब निकाल लेंगे, ठीक। देखो इधर क्या होता है, चार एक पाँच हो जाएगा, ठीक, पाँच हो जाएगा। उसके बाद में इधर क्या हो जाएगा, तीन त्रिक का नौ त्रिक सत्ताईस हो जाएगा, ठीक। यानी कि इसको इधर भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा पाँच बटा सत्ताईस। देखो ए की वैल्यू आ गया फट दे, ठीक। अब यहाँ पर हम रखते हैं माइनस वन, ठीक। ये हो जाएगा एक बराबर में ये हो जाएगा, देखो अगर यहाँ पर माइनस वन रखते हैं तो माइनस वन प्लस में वन पूरा जीरो हो जाएगा। यहाँ पर माइनस वन रखेंगे तो ये भी पूरा जीरो हो जाएगा, यहाँ पर माइनस वन रखेंगे ये भी पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक। क्या बचा है यहाँ पर हमारा डी वाला, यहाँ पर इसको हम डी बना लेते हैं क्योंकि सब तो जीरो हो जाएगा, कोई मतलब नहीं लिखने से। यहाँ पर माइनस एक रखेंगे, माइनस दो है, ठीक, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस तीन, ठीक। तो हो जाएगा डी माइनस थ्री डी हो जाएगा, बराबर में इधर क्या हो जाएगा, एक एक दो हो जाएगा दो, यानी डी की जो वैल्यू आ गया वो माइनस का दो बटा तीन आ गया, ठीक। देखो ए और डी की वैल्यू हमें पता चल गया, ठीक। अब बाकी हम क्या बचा, बी बचा सी, ठीक। बी सी की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, नहीं निकाल सकते ना, इसलिए मैंने आपको बताया है कि थोड़ा से यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो और थोड़ा से एक दो समीकरण बना लो, फिर उसके बाद सॉल्व कर लेना। अब देखो इसको हम बहुत आसानी से देखो निकाल सकते हैं, ठीक, उन दोनों की हेल्प से। अब यहाँ पर देखो यहाँ से अगर हम देखें तो b बराबर इसको इधर भेजेंगे तो b यानी a बराबर माइनस का b हो जाएगा, ठीक। अब a की वैल्यू पता है तो b की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। a के स्थान पर क्या आया, पाँच बटा सत्ताईस आया, तो बस माइनस लगा दो, माइनस देखो b की वैल्यू हो गया ना, b का काम खत्म हो गया, b की भी निकल गया। c का निकालना है तो देखो a का पता है, c का भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो चलिए इसको भी निकाल देते हैं, देखो तीन लिखो गुणे में लिखो, पाँच बटा सत्ताईस आया इसके स्थान पर, पाँच बटा सत्ताईस लिखेंगे, प्लस में सी लिखेंगे, बराबर में लिखेंगे, इसको काटो नौ त्रिक सत्ताईस हो जाएगा, पाँच बटा नौ को इधर भेज दो, ठीक, इधर प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, ठीक। तो सी बराबर में वन माइनस पाँच बटा नौ हो जाएगा, नौ इकन्ना नौ, नौ में से पाँच घटाएंगे कितना बचेगा, चार, यानी चार बटा नौ। देखो हो गया ना सबका मान, आ गया ना खटाक से, इसलिए मैंने अब बताया ना आपको सरल तरीका बताने के वास्ते मैंने थोड़ा से सबका नहीं किया है, ठीक। मैं खुद सोचता हूँ कि जितना आसान तरीके से आपको बता सकूँ उतना बताएं, ठीक। तो यहाँ पर देखो सी का देखो सबकी वैल्यू पता चल गया, ठीक। चलिए मैं आपको सबको बता देता हूँ, देखो ए के स्थान पर आया पाँच बटा सत्ताईस, ठीक, बी के स्थान पर आया माइनस पाँच बटा सत्ताईस, सी के स्थान पर आया कितना आया, ये आया चार बटा नौ आया, उसके बाद डी के स्थान पर जो आया वो आया माइनस दो बटा तीन आ गया, ठीक। देखो ए बी सी डी सबका वैल्यू पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे और समाकलन कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो ये हमारा आंशिक भिन्न से जब हमने तोड़ा था तो ये इतना आया था, ठीक। ये समाकलन का चिन्ह मैंने सिर्फ लगा दिया है एक्स्ट्रा, ठीक, और बाकी सब वही है, ठीक। अब यहाँ पर हम सबकी वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पाँच, देखो सब कॉन्स्टेंट है, इसको हम आगे निकाल रहे हैं, ठीक। हो जाएगा पाँच बटा सत्ताईस, ए की वैल्यू यही आया, ठीक। ये हो जाएगा एक बटा यक्स माइनस टू डी एक्स हो जाएगा, उसके बाद में बी की वैल्यू भी यही आया लेकिन माइनस में आया, तो पाँच बटा सत्ताईस लिख देंगे और ये हो जाएगा एक बटे में यक्स प्लस में वन हो जाएगा। उसके बाद में सी की वैल्यू जो आया वो आया है ये चार बटा नौ, ठीक, प्लस में चार बटा नौ हो जाएगा और ये हो जाएगा एक बटे में यक्स प्लस में वन का स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू आया माइनस का दो बटा तीन आया,
एक बटे में यक्स प्लस में वन का क्यूब हो गया। ठीक, बस हो गया ना। अब इसका समाकलन चलिए करते हैं। ठीक, अब इसका समाकलन भी आसान है। देखो ये सब, ये दोनों लॉग वाले बन जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5/27 लॉग यक्स माइनस टू हो जाएगा, माइनस 5/27 लॉग यक्स प्लस में वन हो जाएगा। उसके बाद में ये हो जाएगा, देखो ये अभी अभी यानी कि मैंने आपको बताया था कि 1/t स्क्वायर, 1/t स्क्वायर हो मतलब नीचे वाला जब स्क्वायर हो तो ऐसे इसका समाकलन याद रखना माइनस का 1/t होता है। तो t के स्थान पर मतलब t इसके स्थान पर मान कर सॉल्व करोगे तो t के स्थान पर यही तो आएगा। ठीक, तो यानी ये हो जाएगा माइनस का 4/9 और ये हो जाएगा 1/x प्लस में वन। ठीक ठीक, डायरेक्ट हम इसका समाकलन बता रहे हैं। ठीक, इसका भी इसी तरीके से करोगे तो इसका भी आ जाएगा 2/3 है ना। अब देखो इसका भी समाकलन करोगे तो ये आ जा, इसका भी आ जाएगा मतलब आ जाएगा माइनस का 1/2। अभी समझ लो, उसके बाद फिर आपको हम समझाते हैं कैसे है। ठीक है, और 1/x यक्स प्लस में वन का स्क्वायर, ठीक ये आ जाएगा प्लस में सी हो जाएगा, ये हमारा पूरा हो जाएगा आंसर। ठीक, ये दो से दो काट दो, ये माइनस जो है ये माइनस इसको कर देगा प्लस। ठीक, और बाकी यहाँ पर आपको पता है कि दोनों में 5/27 कामा है, और यहाँ पर पहले कामा ले लो, उसके बाद में ये लॉग एम बन जाएगा, लॉग एन बन जाएगा। ठीक, तो ये दोनों भाग में हो जाएंगे। ठीक, अच्छा पहले पूरा आंसर लिख लो, फिर आपको बताते हैं कि ये जो 1/2 और मतलब इसका समाकलन मैंने कैसे किया। ठीक, ये बताते हैं। तो देखो ये मैंने लिख दिया है, अब यहाँ पर दोनों में कामा ले लो 5/27, उसके बाद में ये लॉग एम बटे में वाला बन जाएगा, तो लॉग बन जाएगा यक्स माइनस टू ऊपर हो जाएगा और ये यक्स प्लस में वन नीचे हो जाएगा। उसके बाद में इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 4/9 1/x यक्स प्लस में वन हो जाएगा और प्लस में 1/3 यक्स प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में सी हो जाएगा। ठीक, बस ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब इसको चाहो तो बुक में जैसे आ रहा उस तरीके से अगर लिखना चाहो तो इसको क्रम से लिख सकते हो। ठीक, नीचे वाला इसका ये 3 है, फिर उसके बाद 9 आएगा, फिर उसके बाद 27 आएगा। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं हम क्रम से लिखना चाहें तो यक्स प्लस में वन का स्क्वायर, ठीक उसके बाद में प्लस में लिखेंगे ये वाला, ठीक माइनस लिखा है तो माइनस लगाएंगे 1/x यक्स प्लस में वन हो जाएगा, उसके बाद में ये हो जाएगा प्लस का 5/27 लॉग यक्स माइनस 2/x यक्स प्लस में वन प्लस में सी। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ गए ना। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसका समाकलन कैसे किया था, 1/x प्लस में वन का क्यूब वाला इसका समाकलन कैसे किया था। ठीक, देखो इसके स्थान पर मान लो टी, ठीक तो टी मानेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स प्लस में वन बराबर टी, उसके बाद इसका यानी अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स के स्थान पर डी टी लिखना है तो क्या हो जाएगा 1/x इसके स्थान पर टी माना तो टी क्यूब हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, टी क्यूब को ऊपर ले जाओगे तो टी का पावर माइनस 3 हो जाएगा, इसका समाकलन करोगे प्लस 1 जोड़ोगे, बटे में माइनस 3 प्लस में 1 करोगे, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में सी लिख देना। ठीक, यहाँ पर माइनस 2 आ गया तो यानी माइनस 2 हो गया, बटे में माइनस 2 हो गया, प्लस में सी हो गया। अब यहाँ पर देखो इसका पावर मतलब जो पावर है इसको प्लस में करने के लिए इसको नीचे लाओगे तो ये हो जाएगा, देखो 1/2 नीचे पहले से है, ठीक माइनस का 1/2 ये है, उसके बाद नीचे लाओगे तो हो जाएगा 1/t स्क्वायर, ठीक टी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में सी हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 1/2 टी के स्थान पर क्या माना था यक्स प्लस में वन, यही माना था, स्क्वायर लगा दो प्लस में सी। ठीक, तो इसीलिए मैंने बताया था कि इसके स्थान पर आप याद रखना जैसे कि 1/t स्क्वायर होता है, इसके स्थान पर याद रखना हमेशा 1/t का समाकलन हो जाता है। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पर भी मैंने उसको डायरेक्ट बता दिया था। ठीक, तो समझ गए ना। चलिए ठीक है, देखो वैसे ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, अब आगे जो सवाल होंगे वो हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। ठीक, और एक खुशखबरी मैं आप लोगों को साथ शेयर करना चाहूँगा कि अब अपना ये जो यूट्यूब फैमिली है ये 10,000 हो चुका है और ये पॉसिबल हुआ है आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से। ठीक, तो और मुझे अब आशा है कि आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाते रहेंगे और बहुत जल्द ही अपने इस YouTube फैमिली को 1,00,000 तक एक्सपेंड करने में हमारी मदद करेंगे। ठीक, आप लोग इसी तरीके से वीडियो को खूब शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ
और उसके बाद सभी वीडियो को बहुत ध्यान से देखा करें, ठीक, और सभी लोगों तक इसको पहुंचाएं ताकि जो चैनल है वो और ग्रो हो। जब चैनल और ग्रो होगा तो हमें भी पढ़ाने में और मज़ा आएगा, ठीक, तो और मज़ा आएंगे तो हम और अच्छे से आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो देखो वीडियो को लाइक करना ये सब कहना मुझे ना पड़े, ठीक, मतलब आप लोग खुद समझदार हो तो खुद कर दिया करो, ठीक, क्योंकि देखो इसको जब वीडियो को आप लाइक करोगे तो हमारे अंदर भी एक एनर्जी आएगी, मतलब एक ऊर्जा आएगा, ऊर्जा का मतलब होता है एक मोटिवेशन आएगा कि आप लोगों को पसंद आ रहा है, अब हमें और अच्छा पढ़ाना होगा, ठीक, तो मतलब आपको हम और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक, तो आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए ठीक है, अब इसके बाद चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ठीक, और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो ताकि जो अपना ये यूट्यूब फैमिली है और जल्दी ग्रो करे, ठीक, तो चलते हैं मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।